क्रिकेटर हार्दिक पांड्या की व्हाइट वेडिंग। उदयपुर के होटल राफेल्स में मेहमान जुटे हुए हैं पत्नी नताशा के साथ। एक बार फिर से विवाह बंधन में बंध रहे हैं हार्दिक पांड्या। करीब 2 वर्ष पहले दोनों ने कोर्ट मैरिज की थी। पारंपरिक रीति रिवाजों से विवाह समारोह होने वाला है। सोशल मीडिया पर वेडिंग के वीडियोज वायरल हो रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उदयपुर में दोनों की व्हाइट वेडिंग होने वाली है, लेकिन कोविड के समय में दोनों ने कोर्ट मैरिज की थी। एक बेटा भी दोनों को है। अगस्त पांड्या और उनके साथ में ही आज व्हाइट वेडिंग की फेस्टिविटीज शुरू हो गई है। पूरी जानकारी के साथ उदयपुर से सहयोगी रवि जुड़ गए। रवि, उदयपुर पहली पसंद है सेलिब्रिटीज की। जब भी खास मौकों की बात आती है, उदयपुर में बहुत सारी शाही शादियां हुई है और अब क्रिकेटर हार्दिक पांड्या की शादी होने वाली है व्हाइट वेडिंग। किस तरह से उदयपुर के होटल राफेल्स को सजाया गया है, क्या और जानकारी, मेहमान कौन कौन पहुंचे हैं रवि वहां पर अभी? बिल्कुल, देखिए जयती, आपने ठीक कहा कि लेक सिटी उदयपुर पूरी दुनिया में रॉयल वेडिंग की सबसे हॉट डेस्टिनेशन है। चाहे बात बॉलीवुड के सितारों की करें या फिर उद्योग समूह से जुड़े हुए बड़े जो उद्योगपति चेहरे हैं उनके परिवारजनों की शादियों की, तो उदयपुर जो है पहली पसंद होता है। और यही वजह है कि इस बार हार्दिक पांड्या, जो भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज और ऑलराउंडर हैं, उन्होंने अपनी व्हाइट वेडिंग सेरेमनी, यानी कि 2 साल पहले वो कोर्ट मैरिज कर चुके हैं नताशा के साथ में, जो कि बॉलीवुड की स्टार है, लेकिन उस शादी समारोह में उनके परिवार के बेहद करीबी लोग ही शामिल हुए थे। तो ऐसे में उन्होंने फिर से फैसला लिया कि परंपरागत जो रीति रिवाज है, हिंदू रीति रिवाज और जो शादी के वैवाहिक रस्में हैं, उनको फिर से एंजॉय किया जाए, उनके मुताबिक भी शादी की जाए, शादी समारोह आयोजित किया जाए। और इसी कड़ी में कल हार्दिक पांड्या, उनकी पत्नी जो है नताशा और इसके अलावा उनका पुत्र है 2 वर्षीय अगस्त्या, उसके साथ में और अपने भाई के साथ जो है और परिवार के लोग हैं उनके साथ वो उदयपुर पहुंचे थे। होटल राफेल जो कि बेहद खूबसूरत है, उदय सागर के बीचों बीच बना हुआ है, वहां पर 16 फरवरी तक ये सभी जो रस्में हैं, जिनमें मेहंदी की, हल्दी की रस्में होंगी और जो महिला संगीत है उसका आयोजन होगा। तो ये जो कार्यक्रम है इसमें शामिल होने के लिए कई पूर्व क्रिकेटर उदयपुर पहुंच रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले ही दिनेश कार्तिक जो है वो उदयपुर पहुंचे डबो के एयरपोर्ट और वहां से सीधे होटल राफेल के लिए रवाना हुए। पूर्व जो क्रिकेटर और भारतीय टीम के पूर्व कप्तान है महेंद्र सिंह धोनी, उनके आने का भी कार्यक्रम है। और इसके अलावा कई और क्रिकेटर और इसके अलावा बॉलीवुड से जुड़ी हुई हस्तियां जो हैं वो इस वैवाहिक समारोह में शामिल हो सकती हैं। जी रवि, इस व्हाइट वेडिंग की डिटेल्स कुछ मिली है? व्हाइट कैसे नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि थीम व्हाइट रखी गई है, और क्या हिंदू रीति रिवाज से शादी के बंधन में बंधेंगे? क्या व्हाइट वेडिंग रखा गया है तो समझे कि अलग कुछ नजारा नजर आ सकता है, वेडिंग का अलग तरीका? बिल्कुल, देखिए राफेल जो होटल है उसको दुल्हन की तरह सजाया गया है, एंट्री गेट से लेके और जो एंट्री जो है राफेल होटल की, वहां पर बहुत खूबसूरती के साथ में जो वेडिंग सेरेमनी के लिए तैयारियां की गई हैं। इसके अलावा चूंकि होटल में जाने का रास्ता जो है वो बोट से है, तो ऐसे में सभी बोट जिनसे मेहमानों को लाया ले जाया जाएगा उनको खूबसूरती के साथ मेवाड़ी अंदाज में जो है लुक दिया गया है। इसके अलावा होटल के अंदर जो है वो जो लॉन है और जो दूसरे जो जगह है जहां पर ये तमाम जो रस्में होंगी विवाह की, उन जगहों को बेहद खूबसूरती के साथ सजाया गया है। और देखिए, चूंकि ऑलरेडी जैसा मैंने बताया कि 2 वर्ष पहले, करीब 2-2.5 साल पहले ये शादी कर चुके हैं, कोर्ट मैरिज कर चुके हैं, लेकिन अब फिर से शादी कर रहे हैं, तो इस जो दोबारा से जो शादी कर रहे हैं हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार, इसलिए इस पूरी सेरेमनी को व्हाइट वेडिंग सेरेमनी जो है वो नाम दिया गया है। और इस आयोजन में उन्होंने कई सारे अपने जो फैमिली के लोग हैं। बिल्कुल रवि, खास लोगों की मौजूदगी रहेगी और खास जगह है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि, पूरी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।